हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम भोला बत्रा। टुडे इट्स 4 जुलाई और आज का दिन यूएस का इंडिपेंडेंस डे होता है और आज यूएस का 184वां इंडिपेंडेंस डे है और ये काफ़ी बिजी डे होता है और आज के दिन पब्लिक हॉलीडे भी होता है। तो आज मैं सैन डिएगो घूम फिर रहा हूँ। तो अभी मैं जापनीज़ फ्रेंडशिप गार्डन आया हूँ और जापनीज़ फ्रेंडशिप गार्डन सैन डिएगो और एक जापान का सिटी योकोहामा के बीच के दो कल्चर्स का अमलगमेशन ऐसे रिप्रेजेंट करता है। और आज के दिन फायरवर्क्स भी होते हैं रात को 9 बजे ऑल ओवर यूएस। तो आज मैं फायरवर्क्स देखने भी जाऊंगा। और 3 साल पहले मैं अपने मम्मी पापा जब आए हुए थे तो उनके साथ भी सैन डिएगो में फायरवर्क्स देख रहा था, तो मुझे वो वाला दिन भी काफ़ी याद आएंगे। तो मैं आप सब लोगों को दिखाऊँगा कि आज मैं क्या क्या देखता हूँ। तो सी यू। तो ये सारे यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बोनसाई ट्रीज़ हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बोनसाई ट्रीज़ जो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये 30 ईयर्स ओल्ड है, कितना अमेजिंग है। और बोनसाई ट्रीज एक्चुअल में ट्रीज होते हैं, बस इसको छोटा छोटा करके छोटी फॉर्म में लेके आ जाते हैं। और अभी हम लोग वापस जाने लगे हैं क्योंकि 7 बजे गार्डन बंद हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ा टाइम था एक्सप्लोर करने का ये गार्डन, पर काफ़ी मज़ा आया। तो जापानीज़ फ्रेंडशिप के बाद अभी मैं बेलबोआ पार्क आया हूँ और बेलबोआ पार्क जस्ट जापानीज़ गार्डन के साथ में ही है। यहाँ पे ऐसे काफ़ी म्यूज़ियम्स हैं जो कि 5 बजे बंद हो जाते हैं, पर अभी 7 बज चुके हैं तो ओपन एरिया है, वहाँ पे हम कभी भी आ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे, ये मेन सेंटर है बेलबोआ पार्क का जहाँ पे मैं वॉक करने आया हूँ और अभी मैं इसी एरिया में वॉक करूँगा एंड देन आई विल बी गोइंग टू सी फायरवर्क्स। इस एरिया की बिल्डिंग्स ऐसे पूरे यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई है, काफ़ी सही लग रहा है देख के। बेलबोआ पार्क के जस्ट ऑपोजिट ही एक रोज़ गार्डन है और ये वाला ब्रिज बेलबोआ पार्क और रोज़ गार्डन को कनेक्ट करता है। तो अभी मैं वही थोड़ा देखने के लिए जा रहा हूँ। और ये रोज़ गार्डन का नाम सुन के मुझे चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन याद आ गया जो सेक्टर 16 में है। तो लेट्स सी हाउ दिस रोज़ गार्डन इज़। तो अभी इट्स अबाउट 7:30 PM। तो अभी हम लोग फायरवर्क्स देखने के लिए निकलेंगे और यहाँ से फायरवर्क्स जहाँ पे हमने जाना है फायरवर्क्स देखने, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो और सैन डिएगो में फायरवर्क्स 4 लोकेशंस में होते हैं, तो हम उनमें से एक लोकेशन पे जाएंगे।